teachers and students. My name is Dua. I am a student of class 3. Today's our presentation topic is human resources, materials or substances occurring in nature which can be exploited for economic gain. Oil, petroleum or crude oil is a fossil fuel that is found in the earth's surface. It is a smelly yellow to black liquid. Coal is the largest source of energy for generating electricity in the world. It is not a renewable resource. Natural gas, also fossil gas, methane gas or simple gas. It is naturally occurring mixture of hydrocarbon. Metals, metallic resources are things like gold, silver, tin, copper, iron, nickel metals are found in nature. Stone, the earth is formed of mineral matter of which rock constitutes is a kind of rock. Sand is a primary substance used in the construction of roads, bridges, high speed trains. Sand is crushed to make a glass in every window. Other natural resources are air, sunlight, soil, and for the animal, bird, species, and plant are natural resources as well. नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब है? कुदरती वसाइल जो मटेरियल्स दो जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हो, कुदरत से मिलते हो। जैसे कि आप सबने देखा, सबसे पहले हमारे पास कौन सा नेचुरल रिसोर्स है? ऑयल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है जो कि अर्थ सरफेस मतलब जमीन की जो सतह है वहाँ से ये जो है प्रोड्यूस होता है और ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या था? कोल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, बिजली वगैरह की पैदावार के लिए जो है वो कोयले को इस्तेमाल किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज नेचुरल गैस को हम सिंपल गैस भी कहते हैं और मीथेन गैस भी कहते हैं, जो हमारे घरों में स्टोव वगैरह में जो यूज की जाती है ना, जिन पर हम खाना वगैरह बनाते हैं, जो गैस हमारे घरों में आती है वो गैस कहलाती है नेचुरल गैस, जिसे हम मीथेन गैस भी कहते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास? मेटल्स किसे कहते हैं? धातु वगैरह को, लाइक कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, ये सब क्या है? मेटल्स है, ठीक है, और इनसे डिफरेंट चीजें भी बनाई जाती हैं, जैसे कि कॉइन्स वगैरह जो हमारे पास है वो किससे बनते हैं? मेटल्स वगैरह से। और मेटल्स जो है ना हमारे पास डिफरेंट कलर्स में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? रॉक्स वगैरह, ठीक है, रॉक्स किसे कहते हैं? बड़े बड़े पत्थर को कहते हैं। इसके अलावा जो छोटे हमारे पास स्टोन्स होते हैं, जैसे कि सफायर हो गया, रूबी हो गया, एमराल्ड हो गया, ये भी रॉक्स की एक किस्म है, ठीक है, उसी की टाइप्स में से आते हैं। उसके बाद हमारे पास सैंड किसके लिए यूज किया जाता है? ग्लास बनाने के लिए। जो शीशा हमारे पास बनता है वो किससे बनता है? ग्लास इज मेड बाय मेल्टिंग सैंड, मतलब जो हमारे पास पिघली हुई जो सैंड होती है उससे ग्लास वगैरह बनाया जाता है, जो विंडोज वगैरह में और गाड़ियों के शीशे वगैरह जो है जिसमें यूज किया जाता है। और सब चीजें भी क्या है हमारे पास? नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, जो आप लोग देखते हो ना, बर्ड्स वगैरह हो गए, चरिन परिन जानदार चीजें जितनी भी है, ट्रीज वगैरह, प्लांट्स वगैरह, ये सब भी क्या है हमारे पास? नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, समझ आई आप सबको प्रेजेंटेशन? Okay, thank you so much.